ग्राम के विकास को मजबूत करने वाली यंत्रणा है जिला परिषद। कर्मचारियों को चक्कर में अधिक काम वहीं पड़े रहते हैं। इस चक्कर से मुक्ति पाने चंद्रपुर जिला परिषद के सीओ ने नई तकनीक का सहारा लिया है, व्हाट्सएप पर शिकायत करने की सुविधा की है। अब समस्या ग्रस्त नागरिक सीधे शिकायत कर पाएंगे। चंद्रपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी न होने की वजह से समस्याग्रस्त नागरिक को अब वापस निराश लौटने की जरूरत नहीं या सीधे मिलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एम देवेंद्र सिंह जिन्होंने अभी पदभार संभाला है, उन्होंने एक नई सुविधा निर्माण की है, नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने व्हाट्सएप के नंबर को जनता की सेवा में मुहैया कराया है। अपने ऑफिस के बाहर मोबाइल नंबर और नागरिकों को आह्वान करने वाले सूचना फलक लगाए गए हैं। जिले के दूरदराज ग्राम से बड़े पैमाने पर नागरिक काम के सिलसिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिलने आती है, पर अधिकारियों के न होने से निराशा हाथ आती है। इससे ग्रामवासियों के पैसे और समय दोनों की हानि होती है। इस पर उपाय के लिए देवेंद्र सिंह ने नई तकनीक सुविधा उपलब्ध कराई है। व्हाट्सएप दिन में दो बार देखा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी दो कर्मचारियों को दी गई है। मी ज्या दिवशी जॉईन झालो त्या दिवशी मी हे पूर्ण जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक नागरिकांपासून आमचे जे HOD आहे त्यांना दिलेला आहे आणि रेस्पॉन्ससुद्धा चांगला आहे आणि आमची एक टीम आहे दोन लोकांची। आपण प्रत्येक दिवशी सकाळी आणि एक वेळ संध्याकाळी दोन वेळ मी त्यांना सांगतो की काय काय त्यावर आपल्याला अडजी भेटलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने आपले जे विभागचे प्रमुख असेल किंवा BDO आहे जे पंचायत समितीवर स्तरावर जे आहे त्यांना आपण माहिती देतो आणि ते किती दिवस मध्ये ते त्यांचे निराकरण होऊ शकते ते आपल्याला परत माहिती देतात। मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवेंद्र सिंह इन्होंने इस समस्या को सुलझाने का नया तरीका अकोला में भी सफल किया था। चंद्रपुर भौगोलिक दृष्टि से फैला हुआ है, इसके लिए ये योजना की जरूरत यहाँ लगी है। इस योजना को लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। आने वाली शिकायतों पर उचित मार्ग निकालने के आदेश भी संबंधित विभाग के प्रमुखों को दिए गए हैं। चंद्रपुर जिला पूर्ण राज्य मध्ये असा ओळख आहे की एक अतिशय दुर्गम जिला म्हणून ओळख आहे आणि चंद्रपुर जिल्ह्या मध्ये आपल्याला माहिती आहे की 15 तालुके आहेत आणि हेडक्वार्टर्स पासून ब्रह्मपुरी तालुका जे आहे किती दूर आहे आपल्याला माहिती आहे, है ना। तो माझे हे संकल्पना होता की तिकडचे जे लोक आहे, मूळचे लोक असेल किंवा ब्रह्मपुरीचे असेल किंवा जिवतीचे असेल, त्यांना तिथून माझे कार्यालयामध्ये यायचे आणि इथे त्यांचे जे निवेदन असेल किंवा त्यांची जे तक्रारी आहे किंवा अर्जी आहे इथे लांब कशासाठी यायचे, है ना। तो त्यामुळे मी असा संकल्पना केला होता की त्यांनी व्हॉट्सॲपवर सुद्धा त्यांनी अर्जी दिलेला आहे, देत आहे, मी ते स्वीकारणार आणि शासकीय म्हणजे प्रशासकीय स्वरूपात मी ते स्वीकारणार आहे।